इवन वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज एमए की ओर से कई सारे अपडेट्स आए हुए हैं, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या और भी चीज़ें, इन सब के बारे में बात करेंगे। कई लोग और एडमिशन कैंसिलेशन को लेकर भी बात करें तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, आपको सर्च कर लेना है एमए एग्ज़ाम कंट्रोलर। हम ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं, आप सिंपली amucontrolerexam.com डायरेक्ट सर्च करेंगे, इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। आने के बाद आप सबसे पहले तो ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम सिटी से खासकर SSC CGL और जुडिशियल सर्विसेज़ के लिए जो स्टूडेंट या सिविल सर्विसेज़ के लिए जो स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई किए थे, उनका एडमिट कार्ड आ चुका है। यहाँ से आप फीचर वाले सेक्शन में देखिए एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डिटेल आ जाएगा। अभी वेबसाइट ओपन हो रहा है, यहाँ पर देखिए पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आप SSC CGL का दे रहे हैं तो ये सेलेक्ट करिए, अपना एप्लीकेशन नंबर डालिए और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। इनकेस अगर कोई आपका प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी है आप इसको मेल कर सकते हैं। बैक टू बैक फिर से साइट्स पर आते हैं। दूसरा हम बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट, चलिए पहले और भी जो अब तक अपडेट है, एक तो मैं बता दूं कि फर्म लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि वह कई ऐसे कोर्स है जिनका एडमिशन प्रोसेस एमए में ऑन गोइंग है, उनका अगर हम एडमिशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा स्कूल के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्कूल का सेल्फ फाइनेंस के बारे में, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल जो है आपका सेल्फ फाइनेंस का जो है लिस्ट अभी नहीं आया, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, जैसे ही आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल के तौर पे जो अब तक जितने भी लिस्ट आए थे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ जिसमें सीट्स फुल हो गया है उसमें फुल है, बाकी अगर खाली है तो। बट सेल्फ फाइनेंस के बारे में बात करें तो हो सकता है 1 वीक के अंदर आपके लिस्ट आ सकते हैं डायरेक्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फॉर्म फिल कराया जा चुका है, ठीक है। तो बस है ये है कि आप थोड़ा सा एक बात और बता दें कि आपका जो सेल्फ फाइनेंस का जो सीन है ना, खासकर 11th के अंदर में, इसका शेड्यूल लेट चलता है, लेट ही इसका क्लास चलता है, तो इसलिए आपको मजबूरी कहिए जो कहिए आपको वेट करना ही होगा। इसके अलावा मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट एमयू में एडमिशन इस बार लिए हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, वो चाहते हैं एमयू से पार्ट टाइम कोर्स लाइक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप इस कोर्स को ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिए, क्योंकि अगर आप एमयू इंटरनल स्टूडेंट हैं तो ये सब बेनिफिट तो आप उठा ही सकते हैं। साथ ही अभी मैं बता दूं कि एमयू में जो है, जैसे ज़्यादातर कोर्स का तो एडमिशन डेट क्लोज हो चुका है, लेकिन कुछ ही कोर्स ऐसे हैं जिनका भी चलेगा और जब तक सीट्स फुल नहीं हो जाता है या एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा है तब तक उसमें एडमिशन चलेंगे। जिसमें बात करें तो 11th का सेल्फ फाइनेंस PhD प्रोग्राम, फॉरन नेशनल NRI के स्टूडेंट जो हैं उनको प्रीट या BUMS MBBS BDS ये सब भी, BA BEd BSc BEd आउटस्टैंडिंग और CUT का। BA BEd को लेकर मतलब सारी उम्मीदें बेकार हो चुका है एमयू को लेकर, ये पता नहीं क्या इनका प्लान है, समझ से बाहर है, क्योंकि NCET वालों को भी ये मौका दिया एडमिशन देने के, भाई हम तुम्हें भी NCET वालों को दिया, फॉर्म भी फिल करा लिए, लास्ट डेट उन्होंने 22 अगस्त ही रखा था, उसके बाद अगर देखा जाए तो 8 और इधर 5, ऑलमोस्ट 13 डेज के आसपास हो चुके हैं और अभी तक ये लिस्ट पब्लिश नहीं कर पाए। मतलब ये ऐसा कह सकते हैं कि टोटली एमयू का एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर है। ये अलग बात है कि रैंक में टॉप 10 में अपने आप को शो कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हो चुका है वहाँ पर। रिजल्ट जिस टाइम पर पब्लिश करना था वो अभी तक नहीं कर पाए। अलॉन्ग विथ मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट जो स्टूडेंट एमयू से PhD करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए देखिए आंसर की आया है, जो कि विश्वरिया PhD स्कीम उसके रिगार्डिंग। बाकी है कि कौन कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल है नहीं है, आप यहां से चेक कर पा सकते हैं। सो ये जो है आपका, मैंने आपको अब तक का अपडेट जो था मैंने दे दिया है PhD को लेकर। BDS को लेकर देखिए एग्जामिनेशन शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है, BDS शेड्यूल फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल। बाकी एडमिशन का भी ऑनगोइंग चलेगा, रिजल्ट्स के बारे में भी एग्जैक्ट डेट अगर आप हमसे कहेंगे तो मुश्किल होगा, ये कभी भी पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन आप एज एक्सपेक्ट करके चले कि 1 वीक के आसपास में आ सकता है। CUT का एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया गया है, हालांकि CUT वाले एस्पिरेंट को मैं यही कहना चाहूँगा, क्लासेस को लेकर अगर बात करें तो आप साइट्स पे जो वेबसाइट है इनका डिपार्टमेंटल वेबसाइट, जैसे जो भी कोर्स CUT में शामिल है उनके आप डिपार्टमेंटल साइट पर जाइए और वहाँ पर जाकर देखिए, अगर नोटिस आया हुआ है तो ठीक है आप क्लास ज्वाइन करिए, नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो एमयू से रिलेटेड जो अपडेट था मैंने दे दिया है, इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, इस बार अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2025 के लिए आप लोगों के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है। एमयू बी ऑनर्स के अंदर एटलीस्ट 34 स्टूडेंट का सिलेक्शन है, इन 34 स्टूडेंट का डिटेल अगर आप चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है,
टेलीग्राम के लिंक, वहाँ टेलीग्राम पे जाएंगे, हमारे जो स्टूडेंट फो के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाने के बाद आपको जो 34 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं अलग अलग कोर्सेज में, खासकर बीए के अंदर, वो आपका डिटेल दिख जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट करने आया हूँ कि जो स्टूडेंट एएमयू में क्लास 6 के लिए, 9th के लिए, 11th के लिए एंड बी ऑनर्स, बीबीए, बीकॉम और बीएलएलवी, इनमें से किसी कोर्स की भी तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग के लिए एक फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है, ज्वाइन कर लिए बिल्कुल ही नॉमिनल, बड़े ही नॉमिनल चार्ज पे, और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। तो ज्वाइन करने के लिए एक तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पे नंबर दे दे रहा हूँ, वरना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लेके ज्वाइन कर सकते हैं, आप लोग के लिए एक बेहतर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। हम आपके तैयारी में 100% मेहनत करेंगे ताकि जिस तरीके से इस बार 34 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, अगले साल आपकी बारी हो, आपका सिलेक्शन हो और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी हो वो पूरा हो। थैंक यू।